हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन में जो है डायल पैड टोन को कैसे ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ है ओप्पो का फ़ोन है। आप देख सकते हैं इस तरीके का आइकन दिख जाएगा आपको, ऊपर स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप यहाँ बहुत सारे और ऑप्शन देख सकते हैं, इस तरीके से आपको दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ जाना होगा, सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है। सेटिंग के आइकन पे क्लिक करने के बाद जो आप यहाँ पर बहुत सारे और ऑप्शन देख सकते हैं, आपको इस तरीके से दिख जाएंगे, आप देख रहे हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पे आपको साउंड और वाइब्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ इस तरीके का आइकन देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, आप देख रहे हैं। तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और आपको जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप डायल पैड टोन पहले से चालू है। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो बंद कर देंगे। उसके बाद आप इधर क्लिक करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे तो साउंड नहीं सुनाई देगी। और अगर आप डायल पैड टोन को ऑन करना चाहते हैं तो इस तरीके से ऑन करेंगे तो डायल पैड टोन ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है डायल पैड टोन को ऑन कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं फ़ोन के फंक्शन या पीसी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।